सिंहभूम कुर्जी रोहतक और पलामू समेत देश की 96 लोकसभा सीटों के लिए आज सवेरे 7 बजे से मतदान जारी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मतदाताओं में खासा उत्साह। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हजारीबाग और लातेहार में करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम की 14 को गिरिडीह में जनसभा। सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज होगी सुनवाई। जमीन खरीद बिक्री मामले में आज गिरफ्तारी को दी है चुनौती। और झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी। अवैध खनन मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलकर्मी अवधेश कुमार को पूछताछ के लिए आज बुलाया। कई अन्य से भी हो चुकी है पूछताछ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में राज्य के लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू समेत देश भर के 96 लोकसभा सीटों के लिए सवेरे 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच शाम 5 बजे तक मतदान केंद्र में उपस्थित सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिन मतदाताओं के पास फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं है, वे भी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित अन्य 11 पहचान पत्र के आधार पर भी वोट कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री खूंटी से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्राथमिक विद्यालय खेला रिसाई में बूथ संख्या 72 में मतदान किया तथा लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। सब महिलाएं सभी चीजों में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मतदान के लिए जागरूकता के साथ मतदान लोग कर रहे हैं। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण सिंह मुंडा ने भी मतदान किया और सभी से मतदान का आग्रह किया। ज्यादा मतों से हम आगे रहे। कितना कुछ है अनुमान? पिछली बार तो बहुत नजदीक था, 1450 लाख। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सिंहभूम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले में अपने गांव जिलिंग गोड्डा में परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने जिलिंग गोड्डा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतदान संख्या 220 में मताधिकार का उपयोग किया और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर वोटिंग की अपील की। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा क्षेत्र में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। पलामू संसदीय क्षेत्र अंतर्गत डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा इलाके में लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह देखते ही बन रहा है। समाज के सभी वर्ग के लोग बूथों पर कतारबद्ध होकर बारी बारी से मतदान कर रहे हैं। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी गढ़वा में परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मतदान किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज हो रहे मतदान को लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। सरायकेला स्थित एक बूथ पर पहुंची बुजुर्ग मतदाता में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया।
उधर पलामू में भी बुजुर्ग मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पलामू स्थित एक मतदान केंद्र पर 92 वर्षीय वयोवृद्ध महिला ने मतदान किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में हो रहे मतदान को लेकर सिमडेगा जिले में भी आज सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रांची जिला अंतर्गत लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए मांडर विधानसभा और खूंटी लोकसभा सीट के तहत तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में भी आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सवेरे 7 बजे से पहले ही मतदाता बूथों पर वोटिंग के लिए पहुंच गए थे। मेरा नाम सुषमा है और मैं आज वोट देने आई हूँ, ये मेरा पहला वोट है। मेरा नाम रेनू है और मैं पहली बार वोट देने आई हूँ और मुझे वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है। उधर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गुमला में भी मतदान जारी है। गुमला विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 243 में जिले के उपायुक्त ने मतदान किया और लोगों से वोटिंग की अपील की। गुमला में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बूथों की बेहद खूबसूरत सजावट की गई है, साथ ही सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है जहां लोग मतदान कर फोटो खिंचवा रहे हैं। SS+2 उच्च विद्यालय गुमला के मतदान केंद्रों को भी आकर्षक रूप दिया गया है। और एक बार फिर से कोलेबिरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नजारा देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से मतदाताओं ने ट्रेडिशनल तरीके से दूसरे लोगों को प्रेरित किया कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचिए और उसके बाद दुर्गम इलाकों में भी मतदान को लेकर लगातार उत्साह देखने को लिया। लगातार इस बार चुनाव आयोग की ओर से यह पहल की गई है कि जो मतदाता हैं वो तो जागरूक है ही, अपने साथ दूसरे लोगों को भी, परिवार के दूसरे लोग भी जो है उनको भी मतदान केंद्रों तक लेकर पहुंचे और मतदाताओं में इसको लेकर गजब का उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है। और इसी के दम पर चुनाव आयोग इस बार निश्चिंत है कि जो झारखंड में वोटिंग है वो 70% के आंकड़े को पार करेगा और उसका उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। और आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, झारखंड के 4 जो संसदीय क्षेत्र है और वो शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। और 5 बजे तक जो भी लोग कतार में रहेंगे अगर वो समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो वो समय सीमा बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि दुर्गम इलाकों में लोग निर्भीक और निश्चिंत होकर मतदान करें और किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो। तो लगातार चुनाव आयोग ने स्वीप के जरिए जागरूकता का भी अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और देश की जो सरकार है उसे चुनने में अपनी भूमिका निभाएं और अपने इलाके में विकास किस तरीके से होना चाहिए, आपके प्रतिनिधि कैसा होने चाहिए, इसको लेकर आप सजग हों और वैसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके इलाके का विकास करे। तो लोगों में इसको लेकर भी एक उत्साह है कि उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है और झारखंड में इस बार फर्स्ट टाइम वोटर काफी संख्या में है तो उनमें भी गजब का उत्साह देखने को मिला। तो लगातार सभी मतदान केंद्रों पर कुछ इसी तरीके का उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है। जी, कोलेबिरा की तस्वीरें आपने देखी जहां पर लोग काफी उत्साहित होकर मतदान कर रहे हैं। रुक करते हैं लोहरदगा का। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में भी मतदाता उत्साहपूर्वक वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सिसई, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा और मांडर विधानसभा क्षेत्र में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर बागमारी प्रसाद कृष्ण ने संसदीय क्षेत्र में जारी मतदान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि सभी जगह शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष तरीके से वोटिंग चल रही है। उन्होंने वोटरों से मतदान की अपील भी की। सीएपीएफ जो केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं उनकी सुरक्षा दी हुई है और अगल बगल के एरिया में भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध है। तो सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और अभी तक कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं। देखिए, हम लोगों ने मतदाता जागरूकता के कई प्रयास किए हैं
और समय समय पे हम लोगों ने मतदाताओं से अपील किया है। आज फिर से मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिले के सभी मतदाता जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूथों पर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खूंटी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत खूंटी, तोरपा, तमाड़, खरसावां, सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में सुचारू तरीके से मतदान चल रहा है। बूथों पर लगातार वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि सिमडेगा जो खूंटी संसदीय क्षेत्र जिला है वहां 9 बजे तक करीब 26% मतदान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह, जो हम लगातार कहते हैं ना कि झारखंड में जो महिलाएं वो सशक्त हुई हैं तो वो वोट देने में भी सशक्त हुई हैं। और लगातार महिलाओं की जो कतार है, हम जिस बूथ पे खड़े हैं ये एक यूनिक बूथ है, उसकी भी अब झलक आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी अजय कि क्यों ये यूनिक बूथ है। लेकिन आप देखिए कि महिलाएं किस तरीके से यहां सज धज कर पहुंची है और इस तरीके से वोट देने के लिए यहां पर पहुंची है। ये एक घोर नक्सल प्रभावित इलाका भी कभी रहा करता था, लेकिन यहां पर अब मतदान को लेकर जोश है। ये देखिए जो बुजुर्ग महिला मेरे साथ, ये करीब 80 वर्ष की महिला ये है, इन्होंने पहली बार इस बार वोट किया है यहां पे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा मतदान को लेकर यहां पर उत्साह है। और इस तरीके से महिलाओं में आपको अब दिखाना चाहेंगे अपना कैमरामैन से कि ये इन महिला को आप देखिए, आप दिखाइए कि किसे आपने वोट किया है। देखिए इन्होंने पहली बार ये वोट किया है, 80 साल की ये है लेकिन पहली बार वोट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि नक्सल प्रभावित जो इलाके थे वहां पर पहले किस तरीके का खौफ था, डर था, और उसके बाद लोग अब वोट करने के लिए आगे आए। और इन महिलाओं में देखिए ये पारंपरिक परिधान में सजी हुई महिलाएं यहां पर हैं। और ये जो बूथ है उसको एक तरीके से परंपरा और प्रकृति के जरिए सजाया गया है। यहाँ के खूबसूरत जो फूल है उससे इस मतदान केंद्र को सजाया गया है। और उसके बाद यहां पर जितने भी लोग हैं वो सभी ट्रेडिशनल ड्रेस में आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से। ये देखिए यहां पर लोग जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, ये काफी दुर्गम इलाका है, ये खूंटी संसदीय क्षेत्र का तोरपा का इलाका है जो काफी दुर्गम माना जाता है, नक्सल प्रभावित इलाका है, यहां पर ठीक से कनेक्टिविटी भी नहीं है। उसके बावजूद मतदान को लेकर लगातार उत्साह और जोश यहां पर देखने को मिल रहा है। और यहां के लोगों से जब मतदाताओं से हम बात कर रहे थे, यहां तक कि गांव के प्रधान से जब हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि हम राष्ट्रीय स्तर को इस बार ब्रेक करेंगे, हमारे गांव के जो सभी लोग हैं 100% लोग यहां आकर मतदान करेंगे। ये कोशिश लगातार सुबह से ये लोग कर रहे हैं, सब लोगों ने बिना जलपान किए पहले मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और उसके बाद ये मतदान कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से महिलाएं पहुंची हैं अपने बच्चों को लेकर, और ये जो जोश और उत्साह है वो लगातार यहां देखने को मिल रहा है। तो ये, और जब हम खूंटी की बात करते हैं तो ये एक हाई प्रोफाइल सीट इस लिहाज से भी है कि केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा यहां से उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा, तो दो मुंडा के खिलाफ यहां पर एक तरीके से जंग जीतने की लड़ाई है। और अगर हम बैकड्रॉप या बैकफ्लैश की बात करें तो खूंटी का सीट इसलिए भी खासा महत्वपूर्ण है कि हॉकी, महान हॉकी खिलाड़ी मरांग गोम्पे जयपाल सिंह मुंडा भी सीट से 2 बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा यहां से 7 बार जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ भी माना जाता है। तो इस लिहाज से यह काफी हाई प्रोफाइल सीट है। और अगर पूरे झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में चौथे चरण में 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, करीब 65 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और चारों के चारों हाई प्रोफाइल सीट है। 4 में से 3 सीटों पर पिछले बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, हालांकि सीबू जो कोल्हान का इलाका है वहां पर कांग्रेस को विजय मिली थी, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार जो गीता कोड़ा थी उस बार उन्होंने पाला बदलकर भाजपा का दामन थामा है। और वो सीट भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो झारखंड के अभी चीफ मिनिस्टर है चंपई सोरेन, उनका वो गृह जिला कहलाता है, तो उनकी भी किस्मत एक तरीके से दाव पर लगी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार चारों कंस्टिट्यूएंसीज है उनमें उन्होंने एक के बाद एक चुनावी दौरे किए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई प्रोफाइल। संथाल परगना के समर के लिए 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा पर साप्ताहिक अवकाश के बाद आज से फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्याशी 14 मई तक इन तीनों क्षेत्रों में नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। आगामी 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, उम्मीदवार 17 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। 7वें और आखिरी चरण के लिए सिलसिले में दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 1 जून को मतदान होगा, जबकि 4 जून को देश के अन्य संसदीय क्षेत्र के साथ ही इन तीनों लोकसभा सीटों की भी मतगणना होगी। लोकसभा के शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली है और सभी दलों के दिग्गज नेता लगातार चुनावी सभा के जरिए धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी 14 मई को गिरिडीह के
बिरनी में एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर श्री मोदी ने आज बिहार दौरे के दूसरे दिन हाजीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभी परंपराओं का निर्वाह करते हुए कितनी अंधेर गर्दी फैलाई इन लोगों ने पगड़ी में आज बिहार के लोगों को और गरीब और अभाव में धकेल इस बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारे में जाकर के उन्होंने जंगल राज दिया साहिब के समक्ष इन लोगों ने टेका और सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलिशान के निर्माण की प्रक्रिया में अपना श्रमदान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के गुरुद्वारा पटना साहिब में दर्शन करने के बाद सेवा की। प्रधानमंत्री इस दौरान गुरुद्वारा पटना साहिब में लंगर परोसते नजर आए। और इस अवसर पर सभी परंपराओं का निर्वाह करते हुए और इस बहुत ही प्रसिद्ध ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री अपने हाथों से लोगों को लंगर में सेवा करते हुए ये तस्वीर। इधर एनडीए गठबंधन और समूचे विपक्ष ने भी 24 की चुनौती के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज राज्य में दो स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा हजारीबाग के पार्टी प्रत्याशी जेपी भाई पटेल के पक्ष में बरही प्रखंड मैदान में प्रस्तावित है, जबकि वे लातेहार के आरागुंडी पंचायत के अंतर्गत कुंदरी मैदान में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश स्तरीय कई इंडी नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। श्री सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को कानून सम्मत ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी थी। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का राज्य में अनुसंधान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलकर्मी अवधेश कुमार को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में कई अन्य लोगों से भी पूछताछ हो चुकी है और कई सलाखों के पीछे भी हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। धनबाद के सामान्य प्रेक्षक के थवसीलन ने गोविंदपुर में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोविंदपुर के जीरामुड़ी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 144, उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवली में बूथ संख्या 164, 165, 166 सहित अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पलामू में लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर जिले के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत नौडीहा गांव में बम फटा जिससे 3 बच्चों सहित 4 की मौत हो गई। मरने वालों में बाप बेटे भी शामिल हैं। एक ही परिवार के भाई बहन सहित 3 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए एमआरएमसीएच मेदिनी नगर में भर्ती कराया गया है। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना की पुलिस ने महुआ डंगाल में जमीन कारोबारी शिशुपाल राउत से 5 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में जरुआ डी के विपिन यादव को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसके पास से बिना गोली की एक पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस मामले के हर एक बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है। कोडरमा के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध मवेशी लदे वाहन को जब्त करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त में नंदे कुमार और सोनू कुमार शामिल हैं। वहीं ट्रक में लदे 28 गौवंशीय पशु और 13 भैंस जब्त की गई हैं। गिरिडीह के सीसीएल कबरीबाद माइंस के आउटसोर्सिंग पैच में ओबी डंप के दौरान एक डोजर ऊंचाई से नीचे की तरफ ढल गया। इस घटना में डोजर ऑपरेटर शंकर यादव और सहायक रितेश मंडल घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
रामगढ़ बोकारो राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रेलर और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर में दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई। इस हादसे में कंटेनर का ड्राइवर इंदौर निवासी सुनील यादव और ट्रेलर का ड्राइवर हजारीबाग जिले का बरकट्ठा निवासी हलीम खान घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल रामगढ़ में किया जा रहा है। रांची के बूटी स्थित किशनपुर की रहने वाली 25 वर्षीय बीएयू की छात्रा ने 5 मई की रात घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मारवाड़ी युवा मंच रामगढ़ कैन शाखा के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और नर्सों को सम्मानित भी किया गया। रांची जिले के नगरी थाना क्षेत्र इलाके के हटिया डैम में नहाने के दौरान दो भाइयों की डूबने से मौत हो गई थी। एनडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को बाहर निकाल लिया है। दोनों भाई प्रभात तारा स्कूल के विद्यार्थी थे। खूंटी जिले के मुरहू के डोगड़ा में सरना धर्म सोतो समिति के 14वें स्थापना दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय सरना धर्म प्रार्थना सभा सम्पन्न हो गई। धर्मगुरु बगरई मुंडा, धर्मगुरु भैया राम उड़ैया और बिरसा कंडीर की अगुवाई में अनुयायियों के साथ सरना स्थल में भगवान सिंह बोंगा की पूजा अर्चना कर सुख शांति और खुशहाली की कामना की। खूंटी के मुरू में कोचिंग सेंटर में मातृ दिवस पर विद्यार्थियों के बीच पेंटिंग, कविता, ग्रीटिंग्स, निबंध, संगीत आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश का सिलसिला 14 मई तक चल सकता है। 15 मई को आकाश में बादल छाए रहेंगे, हालांकि मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 16 मई से मौसम खुल जाएगा। तापमान की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के बाद धीरे धीरे इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक बार फिर धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ रहा है। इधर बिहार के ऊपर बना चक्रवर्ती प्रवाह अब पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में शिफ्ट कर गया है। बोकारो के न्यू कल्याण मंडप ने कल कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड का चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद पर राष्ट्रीय खिलाड़ी गोपाल कुमार ठाकुर जबकि सचिव पद पर राष्ट्रीय खिलाड़ी मुकेश कुमार सिंह चुने गए। कोषाध्यक्ष पद पर राष्ट्रीय खिलाड़ी राखी कुमारी को चुना गया। संघ के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा और सचिव विपिन कुमार सिंह मार्गदर्शक के रूप में जुड़े रहेंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल कुमार ठाकुर ने कहा कि झारखंड में कबड्डी का प्रचार प्रसार काफी तेजी के साथ हो रहा है। आज के दिन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 13 मई वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र बुलाया गया था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता था, जबकि लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में ही हुआ। 1952 से पहले चुनाव कराए जाने तक संसद एक सदनी ही रही। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा नाम से 23 अगस्त 1954 से जाना जाने लगा। पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ हुई और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। 13 मई वर्ष 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल शिक्षा अध्यापन को दिए। वर्ष 1931 से वर्ष 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था, इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। आज ही के दिन वर्ष 1952 को उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। वर्ष 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। और अब बात आयुर्वेद की। इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे आयुर्वेद की विभिन्न पद्धतियों के बारे में। प्राचीन काल में आयुर्वेद मुख्य रूप से आत्रेय संप्रदाय अर्थात काय चिकित्सक तथा धन्वंतरी संप्रदाय अर्थात शल्य चिकित्सक इन दो भागों में विभाजित था।
जो 8 भागों में अष्टांग आयुर्वेद के नाम से विकसित हुआ। आधुनिक काल में इन 8 अंगों को अध्ययन, अध्यापन एवं विषय विस्तार हेतु 16 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है काय चिकित्सा, दूसरा कौमार भृत्य, तत्पश्चात भूत विद्या एवं मानस रोग, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगत तंत्र, रसायन, वाजीकरण, मौलिक सिद्धांत, शरीर, द्रव्य गुण, भैषज्य कल्पना, रसशास्त्र, स्वस्थ वृत्त, रोग विज्ञान एवं प्रसूति तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं काय चिकित्सा की। काय चिकित्सा के अंतर्गत भैषज्य या दवाओं का प्रयोग कर शरीर के विभिन्न रोगों की चिकित्सा की जाती है। ज्वर यानी बुखार, उन्माद, शरीर का सूखना, पीलिया, मधुमेह, हृदय रोग इत्यादि अनेक शारीरिक तथा मानसिक रोगों का निवारण इससे होता है। काय चिकित्सा के 2 पक्ष हैं, शमन तथा संशोधन। इनमें शमन कार्य औषध प्रयोग से सीधे रोगों पर प्रहार के रूप में होता है, जबकि संशोधन के अंतर्गत शरीर के दोषों को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध आयुर्वेदिक पद्धति पंचकर्म का विधान है। इसके 3 सोपान है, पूर्व कर्म यानी स्नेहन तथा स्वेदन, दूसरा प्रधान कर्म वमन विरेचन अनुवासन आस्थापन तथा शिरो विरेचन, एवं अंतिम है पश्चात कर्म, पंचकर्म के बाद रोगी के लिए पथ्य आहार विहार का क्रमिक प्रयोग। अब बात करते हैं कौमार भृत्य की, जिसे बाल चिकित्सा भी कहा जाता है। बच्चों की चिकित्सा को आयुर्वेद में पृथक अंग माना गया है, क्योंकि उनकी चिकित्सा कठिन होती है। शिशुओं के इस अंग का प्रवर्तन कश्यप ने किया था। भूत विद्या एवं मानस रोग। प्राचीन काल से आज तक तंत्र मंत्र का प्रत्यक्ष या परोक्ष कम या अधिक वर्चस्व रहा है। आयुर्वेद में विकृतियों, व्याधियों के शमन के अतिरिक्त मानसिक विकारों के शमनार्थ भी उपाय निरूपित हैं। इसे मनश्चिकित्सा कहते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में इसके लिए योग यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना या सही दिशा में लगाना इसका विधान किया है। चरक तथा अन्य विद्वानों ने उन्माद, अपस्मार जैसे मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए औषधियों के अतिरिक्त सत्वा वजह का भी सुझाव दिया है। मानसिक रोग में मन का भारीपन, आलस्य, विलास में लिप्तता, भ्रांति, सर्वत्र दुख की अनुभूति, किसी काम में मन न लगना, शरीर में कंपन एवं तीव्र गति से सांस चलने लगना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। शालाक्य तंत्र। शालाक्य शब्द शलाका से बना है, जिसका अर्थ होता है रॉड। इस वर्ग के रोगों के उपचार में शलाका का विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। इसका दूसरा नाम ऊर्ध्व जत्रुगत रोग चिकित्सा भी है, अर्थात ग्रीवा से ऊपर के अंगों यथा आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा, दांत आदि में होने वाले रोगों के लक्षण एवं चिकित्सा का इस शास्त्र में विस्तार से वर्णन किया गया है। शल्य तंत्र अर्थात सर्जरी। सुश्रुत संहिता में इस अंग का विस्तृत वर्णन किया गया है। शरीर में प्रविष्ट या अवस्थित दूषित पदार्थों, शल्यों को निकालने के लिए यंत्रों, क्रियाओं तथा व्रणों के निचय को शल्य तंत्र कहते हैं। सुश्रुत ने इसे आयुर्वेद का प्रधान अंग कहा है, क्योंकि प्रहार जन्य व्रणों के विरोपण तथा कटे हुए अंगों के पुनः संस्थापन का चमत्कार इससे होता है। शरीर के अवयवों की चीरफाड़ करने से त्वरित रोग निवारण होता है। शस्त्र कर्म के साथ ही क्षार प्रयोग, जलोका प्रयोग, अग्निकर्म आदि को भी शल्य के अंतर्गत ही माना जाता है। अगध तंत्र। अगध का अर्थ विष है। जिस शास्त्र में विभिन्न प्रकार के विषों के प्रयोग से उत्पन्न लक्षण एवं उसके प्रतिकार का विधान वर्णित हो, उस शास्त्र का नाम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू समेत देश की 96 लोकसभा सीटों के लिए आज सवेरे 7 बजे से मतदान जारी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मतदाताओं में खासा उत्साह। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हजारीबाग और लातेहार में करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम की 14 को गिरिडीह में जनसभा। सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज होगी सुनवाई। जमीन खरीद बिक्री मामले में अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। और झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी। अवैध खनन मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार